दोस्तों, दो दो बार आप आ रहे हैं आज, ज़्यादा समय बिताएंगे ये आईसीसी में। शुरू करें या कोई और आ रहे हैं? आप तैयार हो तो बताएं, फिर हम शुरू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैयार हैं दोस्तों? आज मैं आपको कुछ एक्सट्रीम उदाहरणों के जरिए ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार कानून से बहुत ही अत्यंत गंभीर रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा, केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा, प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा। मैं साथ साथ उन उदाहरणों के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस देश में अगर आपके निकट संबंध हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, सरकार के विभिन्न अंगों से, अगर आप दिन प्रतिदिन तुसी ग्रेट हो के मंत्र को दोहराते हैं, तो किस प्रकार से आपके विषय में एक कानून की इम्यूनिटी, अपवाद पैदा हो जाता है, फिर कानून आपको अप्लाई नहीं करता। किस प्रकार से इस सरकार ने केंद्र के स्तर में और प्रदेश के स्तर में घोर गैर जिम्मेवारी प्रदर्शित की है कानून के प्रति, कानून के आदर के प्रति, महिलाओं के प्रति, गंभीर वारदातों के प्रति। तो पहला मेरा उदाहरण होगा दोस्तों एक सिटिंग मुख्यमंत्री तमंग साहब के बारे में। यह आपको चौंका देने वाले तथ्य जो प्रकाशित हुए वही नहीं है, उसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं। ये महाशय जो एक संवैधानिक पदासीन व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध 96-97 का आरोप है कि उन्होंने गबन किया है रुपयों का। वैसे ये भी वहाँ सिक्किम में चारा घोटाला कहा जाता है, चारों के विषय, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के विषय में था ये। 2003 में FIR हुई और विलंब कराया गया इन व्यक्ति द्वारा। फिर भी 2016 में सबसे नीचे वाले ट्रायल कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया और 1 वर्ष की सजा दी। तो हम 3 से 16 तक कुछ नहीं हो पाया, खैर देर आए दुरुस्त आए, 16 में ये कन्विक्ट हुए और 1 साल की सजा हुई। किसके लिए? करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। 2000, मैं बाकी कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, 2017 में 10 नवंबर 2017 में उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय से होते हुए जो याचिका ऊपर आई उसमें उसने इस कन्विक्शन को अपहोल्ड किया। इन्होंने 1 वर्ष का जेल पूरा काटा भ्रष्टाचार के कन्विक्टेड ऑफेंस में उच्चतम न्यायालय तक। अब आप जानते हैं इस कानून में सैकड़ों ऐसे लोग हैं कि अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बिना किसी के 6 वर्ष की आपके ऊपर निष्कासित होने की या निलंबित होने की राजनीति से एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर एक अलग दुष्प्रभाव होता है। यानी कन्विक्टेड व्यक्ति 6 वर्ष के लिए चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। और इन महाशय के विषय में ये 1 वर्ष, ये 6 वर्ष शुरू होते अगस्त 2018 से, यानी 2024 तक ये चुनाव में खड़े ही नहीं हो सकते। संवैधानिक पदासीन और मुख्यमंत्री बनने के तो ख्वाब दूर हो गए। अब क्या होता है जो कभी नहीं हुआ? और मैं जानना चाहूँगा सरकार से और चुनाव आयोग से कि कितनी बार उन्होंने ये लार्ज हार्टेडनेस दिखाई है, जेनरोसिटी दिखाई है, ये समझ, सूझबूझ, दया, कंपैशन दिखाया है किसी व्यक्ति के बारे में। ये सोचिए, अगर लालू प्रसाद यादव ने इससे लेश मात्र भी किया होता आंशिक रूप से, तो क्या उनको ये रियायत मिलती? चुनाव आयोग ने अपने आप कानून के अंतर्गत 6 वर्ष का निष्कासन इनके ऊपर डाल दिया 2024 तक। अभी जो चुनाव हुए मई में, या आप शायद भूल गए क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव हो रहे थे इस वक्त, सिक्किम के चुनाव को ध्यान नहीं दिया गया था, अप्रैल मई में फिर चुनाव हुए। तो ये महाशय जो पहले चमलिंग साहब के साथ थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और चुनाव में वो काफ़ी सीट लाई लेकिन ये खुद खड़े नहीं हो पाए, ये ध्यान दिया जाए, अप्रैल मई में, क्योंकि निष्कासित से, डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत थे।
चुनाव में न खड़े होने के बावजूद ये मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री आप जानते हैं, अगर मैं बनना चाहता हूँ बिना किसी भी हाउस का मेंबर हुए तो मुझे 6 महीनों में वापस चुनावित होना पड़ता है। तो अब इससे कैसे बचा जाए? तो SKM ने ये डिक्लेयर कर रखा था, पूर्व घोषित था कि तुसी ग्रेट हो, हमें BJP से प्यार है, हम उसके एक ally हैं। जैसे ही ये कहा तो चुनाव आयोग ने अपने निर्णय द्वारा, जो निर्णय अभी आया है 29 सितंबर 2019 को, उस 6 वर्ष के निष्कासन लंबित होने की प्रक्रिया को 1 वर्ष कर दिया। और 1 वर्ष वो कि जो समय ऑलरेडी निकल गया है, इसका प्रभावशाली प्रभाव क्या है कि ये महाशय अब चुनाव लड़ सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री पद पे बने रह सकते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में एक उदाहरण भी आपको याद है ऐसा, जहाँ पर 1 वर्ष बिताने के बाद जेल में 6 वर्ष के डिस्क्वालिफिकेशन लगने के बाद चुनाव आयोग ने बिना उस व्यक्ति के हाईकोर्ट गए? नॉर्मल आदमी हाईकोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ पाँव पटकता है, अधिकतर केसेस में हार के आता है। यहाँ उसके बिना हाईकोर्ट गए, बिना सुप्रीम कोर्ट गए, चुनाव आयोग ने स्वतः उसको 6 वर्ष को 1 वर्ष बना दिया, 16% कम कर दिया उसका। क्यों? क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी उस प्रदेश की, इस पार्टी के साथ अपने आप को अलाई बोलती है। किसके साथ? माननीय सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र वाली के साथ। और आखिरी मुद्दा इसमें कि ये करते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा रोचक पूर्व निर्णय दिया है। अब आप ध्यान रहे, आपको हम 2019 की बात कर रहे हैं, 70 जब से चुनाव आयोग शुरू हुआ या लगभग 55-60 वर्ष हो गए हैं, ऐसा कोई प्रेसिडेंट आसानी से मिलता नहीं है कि चुनाव आयोग ने खुद ने कम कर दिया हो। उन्होंने एक ढूंढ निकाला, श्याम तिवारी का प्रेसिडेंट, जो कि तारीख है 26 जुलाई 1977। अब वो 26 जुलाई 1977 का जो निर्णय है, जिसको इस निर्णय में माननीय तमंग साहब के लिए, जो BJP के ally बोलते हैं अपने आप को, फॉलो किया गया है, उसमें लिखा है कि यद्यपि वो व्यक्ति मर्डर चार्ज में था श्याम तिवारी, लेकिन ये दो ग्रुप्स की राइवलरी है। मैं पढ़ दूं आपको, द ऑफेंस बाय द पिटिशनर वाज़ द रिजल्ट ऑफ राइवलरी बिटवीन टू ग्रुप्स। द पिटिशनर वाज़ द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द डिसीज वाज़ एन एक्स जमींदार। इट वाज़ अ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स। तो आपने वो 77 के निर्णय को निकाल के, जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का था, जहां ये डाउट हो सकता है कि भाई हीट में कुछ हुआ, एकमात्र उदाहरण, और इसके विपरीत सैकड़ों उदाहरण हैं, कईयों में मैं अपेयर हुआ हूं, हम उच्चतम न्यायालय तक गए हैं, उच्चतम न्यायालय बदले तो समझ आता है, चुनाव आयोग का एक भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो 6 वर्ष को 1 वर्ष कर दे। तो मेरा अंत में इस मुद्दे पर यह कहूंगा मैं कि अगर आपको ऐसे मुद्दे चाहिए, मैं तो सुझाव दूंगा, मैं वकील भी रहा हूं उनका, लालू जी का, तो मैं विनम्र सुझाव दूंगा कि तुसी ग्रेट हो का मंत्र शुरू कर दें जाप करना, और अपने आप को सोलो ally डिक्लेयर कर दें, तो चारा घोटाला और कन्विक्शन सब हट जाएंगे। जादुई छड़ी है यहाँ पर, एक जादुई छड़ी है। इस प्रकार का दुभांत, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी स्टैंडर्ड, और इससे खिलवाड़ किया गया है कानून के साथ। दोस्तों, दूसरा उदाहरण इसका है बलवंत सिंह रजौना के विषय में। बलवंत सिंह रजौना साहब ने सिर्फ एक पदाधिकारी पदासीन मुख्यमंत्री, जो सांविधानिक पोस्ट पे पदासीन थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे वो बात दूसरी है, लेकिन वो एक सांविधानिक देश के मुख्यमंत्री, भारत के पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री, 31/8/95 को बॉम्ब एक्सप्लोजन द्वारा एक सुइसाइड बॉम्बर ने अपने बदन पे पूरा बांध कर उनके पूरे बॉडी के 38 पीस कर दिए थे, आपको अब याद नहीं रहेगा, 1995 की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उस दिन, उस दिवस 16 और व्यक्ति मरे उनके साथ, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं मरे, 16 इनोसेंट जाने गईं। तीसरी बात कि इसके हफ्ते 10 दिन पहले एक और व्यक्ति ने यह प्रयत्न किया था इसी मुख्यमंत्री को मारने का, सुइसाइड बॉम्बर ने, वो असफल रहा था, और एक दो हफ्ते बाद फिर ये हुआ। इसके लिए 2 लोगों को अभियुक्त किया गया, मुख्य रूप से रजौना थे, उनका नाम है बलवंत सिंह रजौना। 2007 में स्पेशल CBI कोर्ट ने इन पे मृत्युदंड
जारी किया 2007 में। हाईकोर्ट ने 2010 में इनके विषय में मृत्यु दंड को अपहोल्ड किया। दूसरे व्यक्ति के बारे में चेंज हुआ था क्योंकि उसका मुख्य रोल नहीं था। मैं बात कर रहा हूं बलवंत सिंह रजौरा की सिर्फ। उसके बाद ये बात लंबित रही क्योंकि एसजीपीसी और माननीय बादल जी की पार्टी एसएडी ने बार बार मर्सी पिटिशन की, यद्यपि उस व्यक्ति रजौरा ने नहीं की। दया और कंपैशन वाली याचिका उस व्यक्ति ने नहीं की, अभियुक्त ने नहीं की, एसजीपीसी और एसएडी ने की। वो लंबित थी इसलिए उनकी फांसी स्थगित होती रही। उस लंबित मामले को राष्ट्रपति ने, ये राष्ट्रपति जाती है मर्सी पिटिशंस, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय को रेफर किया और आज लगभग 7-8 वर्ष बाद और पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल 5 वर्ष तक लंबित करने के बाद 2019 में ये घोषणा आई है कि इस व्यक्ति के मृत्युदंड को आजीवन कारावास बना दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम डेथ सेंटेंस। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि कहाँ तक, किस हद तक, किस सीमा तक आप कानून से खिलवाड़ कर सकते हैं। ये गृह मंत्रालय का निर्णय है जिसकी बात मैं आज कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक पदासीन मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर पदासीन व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आप 16 और व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं? क्या आपकी राजनीति है और क्या हर चीज़ आप राजनीति की नापतोल से नापते हैं? आपका कोई और मापदंड है या सिर्फ राजनीति और अधिकतर रूप से एक सस्ती प्रकार की राजनीति? तीसरा उदाहरण, याद रहे मेरी बातें हैं खिलवाड़ कानून से, तुसी ग्रेट हो के मंत्र के विषय में। तीसरा भी बड़ा रोचक है, मैं समझता हूँ ये ट्रैजिक है, लेकिन अगर ये ट्रैजिक नहीं होता तो कॉमिक होता। एक महिला ने बलात्कार का 2 महीने से शाहजहांपुर विषय में आरोप लगा रखा है, आज 2 महीने होने वाले लगभग। वो व्यक्ति जिसको आप 1.5-2 महीने में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, याद रहे चार्जेस अभी तक फाइल नहीं कर पाए आप, कौन से रेप केस पे 2 महीने लगते हैं चार्जेस फाइल करने में? निर्भय के बाद आपने जो कानून बनाया फास्ट ट्रैक कोर्ट का, तो 2-4-6 महीने में तो निर्णय आने की बात है, यहाँ आपने 1.5-2 महीने तक विलंब किया, चार्जेस फ्रेम नहीं किए। क्यों नहीं किए वो आज मालूम पड़ा, इसलिए नहीं किए क्योंकि आप लगे थे येन केन प्रकारेण कुछ भी करके कि ये चार्जेस छोटे कैसे किए जाएं। आज आपने जो फ्रेम किया है वो 356C फ्रेम किया है। क्यों किया है? क्योंकि 376C में निर्णय जो है, जो पनिशमेंट है, वो 5 से 10 साल हो सकता है, यानी 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। याद रहे जो मुख्य अभियुक्त है वो एक बहुत निकटतम व्यक्ति है सत्तारूढ़ पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के पूरे लिस्ट में बहुत ऊंचा दर्जा रखता है सरकार से, केंद्र और प्रदेश की सरकारों से। तो आपने ये 10 वर्ष की मैक्सिमम सेंटेंस डाल दिया वो प्रावधान, और जो मुख्य प्रावधान है 376 जिसमें 10 से लेके आजीवन कारावास का दंड है उसको भूल गया। उसमें लिखा है 376C में नॉट अमाउंटिंग टू रेप, इसीलिए आपने इसको इन्वोक किया 1.5 महीने बाद। और उससे संबंधित अब देखिए, आप विडंबना देखिए, आयरनी देखिए, जो गणतांत्रिक आवाज उठा रहे हैं उनको अभियुक्त बना रहे हैं, और अभियुक्त को आप 376 से ले जाके 376C में डाल रहे हैं। ये गणतांत्रिक अभियान कौन नहीं करेगा इस गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में? यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों लोगों को, लीडर्स को, तो जो जिसको हमने कहा न्याय यात्रा, लगभग 5 दिन की न्याय यात्रा थी जो 180 किलोमीटर कवर करने वाली थी, मैं लगभग बता रहा हूँ, शाहजहांपुर से और इलाकों से होते हुए लखनऊ तक। तो एक कैटेगरी ऑफ लीडर्स को, मैं नाम आप जानते हैं, मैं कुछ नाम दे दूँ आपको, जितेंद्र प्रसाद साहब हुए, श्रीनाथ जी हुई, सुष्मिता जी हुई, इत्यादि इत्यादि, उनको तो पहले ही नज़रबंद कर दिया,
कई और लीडर्स को पहले नज़रबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट, डिटेंशन। जो बाकी लोग पहुंचे वहां पर उनको अरेस्ट किया गया। कई सैकड़ों कांग्रेस वर्कर्स, कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के लीडर्स। तो ये कैसा, क्या आपने कश्मीर से कन्याकुमारी की कहानी सुनी है? ये कश्मीर से शाहजहांपुर वाली कहानी कौन सी है? हम बात नहीं कर रहे मूल मुद्दों की, हम बात कर रहे हैं कि गणतांत्रिक, मैं अभी 370 की बात नहीं कर रहा हूँ, हम गणतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे हैं कि आप बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते, संवेदना प्रकट नहीं कर सकते, अभियान नहीं कर सकते। राजनीतिक पार्टी अगर जनता जनार्दन से कनेक्ट नहीं करेगी तो लोकतंत्र का क्या होगा? और वो कहाँ कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में। किसके विषय में? 376 का कोई अभियुक्त होना चाहिए, उसको आपने 376 सी का अभियुक्त बनाया, उसके लिए। तो मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हाय रे भारतीय लोकतंत्र, कैसी कैसी परीक्षाएं देनी होंगी तुझे बीजेपी के अंतर्गत। पीड़िता के पति के पिता दर दर भटक रहे हैं, प्रावधान मांग रहे हैं, पीड़िता के ऊपर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल का चार्ज लगा दिया है, उस चार्ज को हटाने की कोई बात नहीं करता, और जो मुख्य अभियुक्त है उसको 356 से लेके 356 सी में ले आए हैं, 76, आई एम सॉरी, माय अपोलॉजीज, 376 टू 376 सी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये किस प्रकार का विकृत गणतंत्र की परिभाषा माननीय मोदी जी, माननीय बीजेपी सरकार सत्तारूढ़ अपने आप को नया यहाँ पर उद्घाटन कर रही है, इसकी जवाबदेही देश चाहेगा। मैं बहुत संक्षेप में पहले दो चीज़ें अंग्रेजी में कह देता हूँ और शाहजहाँपुर के विषय में मेरी दोस्त, मेरी कॉलीग अभी बोलेंगी आपके साथ अंग्रेजी में, दो मिनट में। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन थ्री मेजर एग्जाम्पल्स, दी रनिंग थ्रेड बिटवीन दीज थ्री एग्जाम्पल्स इज द कंप्लीट एब्यूज ऑफ लॉ, स्नूकिंग ए नोज एट द लीगल सिस्टम, मेकिंग फन ऑफ एंड रिडिक्यूलिंग एंड ब्रिंगिंग इन टू डिसरिप्यूट द मैजिस्ट्री ऑफ द लॉ, सेंडिंग अ क्लियर मैसेज that you are immunized from the law of the land if you chant Tusi Great Ho day in and day out, and you are subjected to harassment, vendetta, if you don't do this chant. It exhibits extreme irresponsibility about the law. Each of my three examples, which I have spoken to you already about, the first is in respect to Mr. Tamang, the sitting Chief Minister of Sikkim. Many people have forgotten that he was also accused of what might be called a chara ghotala, but of a different kind arising in Sikkim many decades ago. A 2003 FIR led to a conviction after almost 13 years, undoubtedly because of delaying tactics by the accused, but fortunately it yielded a conviction by the trial court, affirmed by the Supreme Court on 10th of November 2017. Now, till here, at least we have a conviction. He serves his 1 year. It is for embezzlement. It is under the PC Act, Prevention of Corruption Act. He is in jail. Everybody I know in the 60-year history of this country who has a conviction is disqualified for 6 years. I know of not a single case where a 6-year disqualification has been lessened or set aside, except by the Supreme Court and High Court. Yes, they have done it. But the Election Commission in this case, on its own, at its own level, at the request of this person, reduces it from 6 years to 1 year. That's 1/6. What is the practical? That is limited to what is already undergone, the period already gone. So what is the effect of this? Number one, this person did not fight the elections in April, May 2019. In April, May 2019, he formed a party, or he had a party called the Sikkim Revolutionary Morcha, SKM, which repeatedly swore allegiance to the ruling party, BJP. It is now obvious why that allegiance was sworn. Though the party got seats in the elections and with the BJP formed a government, this person could not fight the election and therefore could not be elected. Nevertheless, he became chief minister. Now, the moment he became a chief minister, the hunt began for a way out to get him elected within 6 months, without which he would lose his chief ministerial seat. So what happens? The Election Commission does a remarkable thing.
it reduces the disqualification of 6 years to a period already undergone, therefore allows him to fight the next election and continue as chief minister, and in doing so cites a precedent of July 1977, almost 35-40 years old, because there is no other precedent that I know of, which is highly distinguishable as quoted by the Election Commission itself, because it involved a murder conviction against a person but based on caste rivalry between two groups in a village, as recorded in the judgment itself. All I can say is that I wonder how many other people in this country are fortunate enough to get this benevolence, this largesse, this generosity of a generous election commission and of a super generous government of India, of the ruling party. I would suggest that all such people who want this generosity should start chanting a different mantra. The second example, friends, comes from Punjab, where a heinous incident occurred in 95 August, assassinating a sitting chief minister. That he was from the Congress is secondary. He was a sitting chief minister of a constitutional post in a democratic system. He was assassinated by a suicide bomber, who by definition died on the spot, not only killing the chief minister, but 16 other innocent persons, 16, many of them police personnel. The same person had tried to assassinate him about a week or 2 weeks earlier and had failed. The principal person accused was a man called Balwant Singh Rajona. Rajona suffered a death sentence conviction in August 2007. Via the High Court, it was upheld on October 2010. I am talking only of Rajona. And he delayed the execution by hanging was delayed because the SGPC and the SAD, the ruling party of Punjab, filed a mercy petition. They campaigned, in fact, in the elections on Rajona's mercy petition. That petition was referred by the then president to the Home Ministry, as is the rule. President Pratibha Patil has to refer it. The Home Ministry, after all this gap, today or yesterday, announces that it is commuting Rajona's death sentence to life imprisonment. Remember, here is a heinous offense of a constitutional post holder. Here is a party which claimed to have expelled people who appeared for the assassins of Indira Gandhi. Here is a party who ignores the loss of 16 other lives. So I asked them through you as to what is this new, very, very cheap definition of pure politics. I asked them what is their commitment to basic values and principles. I have already spoken about Shahjahanpur, and let me ask my friend to kindly add in English on that issue. Thank you, sir. The right to protest is an integral part of democracy. With such promptness, the Yogi government today stopped a peaceful protest march concerning the rising crime against women in UP. If with that same half the efficiency, half the promptness, if Yogi government would have tried to stop the crime, rising crime against women in UP, perhaps there would not have been any need to do this protest march. What kind of justice is this? Just now, Dr. Singhvi explained that the victim has been put under arrest, sent to jail, and the accused is lying in the hospital and has been charged with softer provisions. Isn't it total subversion of justice? Isn't it an attempt to completely corrupt the law and order situation in the country? We are celebrating Navratra now. This is the time to worship Goddess Durga, the Nari Shakti. At this time,
If any government tried to stop a protest concerning the safety and security of women in a particular state, it clearly shows that the government do not have any concern, any respect for women. It is a complete use of brute force. The way senior Congress leaders have been detained, have been arrested, for what? This is our responsible, this is as a responsible opposition, this is our job to raise these issues, to raise these questions where the government is failing. And the way the whole Shahjahanpur case has unfolded, before that we have seen it in Unnao, that how the whole family of the victim suffered one tragic incident after another. We have seen the delay in taking any action in Shahjahanpur case against the accused Chinmayanand. And we have also seen the promptness in which the SIT, after grilling the girl for more than 11 hours, then also has refused to take any action against the accused. And when the girl had to say in public, "Main khudkushi kar lu kya? Do I have to commit suicide before this government take action?" Then only they arrested Chinmayanand. But immediately after that, they arrested this girl also. So what kind of lawlessness, what kind of jungle raj are we living in? And when the main opposition party go to protest, they want to hold a peaceful march, they are being detained, they are being arrested. We strongly condemn this absolute blatant act to subvert democracy. We strongly condemn the brute use of force, the blatant use of brute force to suppress the opposition and to subvert justice. Thank you. Ji, koi prashn uttar hai to kar le apan. Well, Mr. Chinmayanand and many others like him are viewed, and this is not for me to say, it is their perception, but certainly they are viewed as high value assets, which itself should be a matter of shame. Mr. Chinmayanand, anybody who throws a stone will find out, is extremely close to the powers that be in Uttar Pradesh. I'm talking of the top powers there. Is extremely close to the powers that be here. And it is obvious. Do you need proof of this? Have you heard a single word of condemnation about him from the three people who matter most on this issue? Should I tell out who are the three people who matter most? The number one of the country, the number two of the country, and the number one of the state. I ask you to ignore everything else for 1 minute. These three persons, have they even said a word about him? You can give all homilies and rhetoric about law and order, women, beti bachao, this, that. Has anybody spoken about him? So you now get the answer. He's an extremely high valued asset. And this is exactly the policy of what I have on this podium many times told you, is a wink and a nod. To allow things to go on with impunity, to send a message to lawbreakers. This is what is meant by Nelsonian blind eye. Nelson's eyes were not blind, but he made one of them blind. So here are thinking, seeing people who are acting blind, but they are fooling no one, no one in the nation, except themselves, if they think that people eat grass in this country. They are fooling themselves. देखिए पहली बात तो मौसमी जी मैं अपने पार्टी के पोडियम से बोल रहा हूँ और मुझे जैसा हमने कहा कि ये बात सही नहीं है लेकिन अगर देश में एक आवाज़ भी होगी तो हमको अकेला चलो करने में बिल्कुल कोई भी
आपत्ति नहीं है। नंबर दो, मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी चुप है इसके विषय में। अलग अलग स्तर पे, अलग अलग समय पे कई कटिंग्स हैं जो बताती हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया है, लेकिन हमको तो एक मुद्दे से मतलब है। आप समझते हैं कि जो हो रहा है वो इस बात से सही हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी उसका विरोध नहीं करती है? आप भी मानेंगे कि नहीं होगा ऐसा। वो बात जो हो रही है वो सत्य हो जाएगी, सही हो जाएगी अगर हम चुप रह जाएं तो भी। तो इसलिए ये एक गंभीर मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ, इसको नकारने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक जरूर है। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, ये मामले केस बाय केस देखे जाते हैं। मैंने राजौना का नाम इसलिए लिया, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं इससे ये नहीं कन्वे संदेश भेज रहा हूँ कि बाकी लोगों ने कोई हत्याएं या गैरकानूनी काम नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति ने एक पदासीन मुख्यमंत्री, सांवैधानिक पदासीन व्यक्ति की हत्या बर्बरता से की, और 16 और लोगों को। मैं नहीं समझता कि बाकी 8 में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 17 लोगों को और साथ में एक पदासीन मुख्यमंत्री की हत्या की हो। दूसरा, ये वही पार्टी है जो आपको राष्ट्रवाद अपने हाथ में पहनने की सीख देती है। ये वही पार्टी है जो घड़ियाली आंसू बार बार बहाती है इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के विषय में, राजीव गांधी के विषय में भी, लेकिन कंसिस्टेंसी कहाँ है जब इनको राजनीतिक सूट करता है? मेरा हमारा मुख्य मुद्दा है कि ये सस्ती राजनीति है, और जो अपराध बोध है, इतना भयंकर अपराध बोध है इसका, उसका क्या संदेश दे रहे हैं आप? तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये आप अपना आडंबर दर्शा रहे हैं, अपनी दोगली आवाज दर्शा रहे हैं। हाँ जी, आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड आउट, बिकॉज व्हेन आई वेंट इन हियर आई हैड नॉट सीन दिस, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग सम रिएक्शन। वेल, आई थिंक, आई मीन, ही इज एकोइंग द सेम सेंटिमेंट। देर इज नो एक्सप्लेनेशन, डोंट फॉरगेट, दिस इज अ रेफरेंस टू होम मिनिस्ट्री ड्यूरिंग प्रतिभा पाटिल्स टाइम। दिस गवर्नमेंट हैड 5 years. They realize this is not be done. Suddenly, for purely political purposes, they have dusted off a 6-7-year-old case and announced this. From 14 to 19, it is pending with the Home Ministry. So it is being done for selectivity, opportunism, political partiality, political reasons. Merits come last. ये खत्म हो गया अपना, ये वाला सब फिनिश हो गया, साथ चलिए। हाँ, लेट्स गो टू समथिंग एल्स। हैं जी, हाँ हाँ ये मुद्दा वो नहीं है, आप नवजोत सिंह सिद्धू वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे में डिस्क्वालिफिकेशन 6 वर्ष का इम्पोज्ड है, आपको कुछ और बजाने की जरूरत नहीं है। 6 वर्ष तक वो निष्कासित हैं, अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक। आप मुझे इक्का दुक्का छोड़कर 50 साल में 5 उदाहरण दे दीजिए कि स्वतः चुनाव आयोग के स्तर पे उच्च न्यायालय में फिर भी समझ आता है, उच्चतम न्यायालय में फिर भी समझ आता है, लेकिन चुनाव आयोग के स्तर पे किस व्यक्ति को इतनी बड़ी मेहरबानी मिली है? ये मुद्दा है जी। देखिए, हम इसका एक राजनीतिक, बोलिए बोलिए। किसको किसको? नक्षत्र। हाँ अच्छा, ऐसा है, एक मिनट सुन ले। देखिए, जब इवेंट मैनेजमेंट
और जुमलेबाजी अहम रखती हैं तो ऐसा ही होगा। हमने आपको कितनी बार, मैंने खुद ने ब्रीफिंग में आपको आंकड़े दिए हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मायने क्या है, इसके आंकड़े क्या हैं। आप 10 शहरों में उनके सेंटर को इंडिया गेट टाइप एरियाज़ को सुहावना बना दें और उसके बाद उसको स्मार्ट सिटी घोषित कर दें, ये परिभाषा नहीं थी स्मार्ट सिटी की। अब हमने आपको बताया कि ये सिर्फ एक जुमलेबाजी के लिए आपने कहा कि हमने 100 शहर घोषित कर दिए हैं। मैंने जो खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी आपको आंकड़े दिए थे कि उसका एक आंशिक रूप फंड्स भी यूटिलाइज नहीं हुए, वो सब आंकड़े आपके पास हैं। जब ऐसा होगा तो वही दृश्य मिलेगा जो आपके अखबारों ने आज पटना के मेन स्ट्रीट का दिया है। मैं तो चौकन्ना रह गया, पटना राजधानी है, उसकी मेन स्ट्रीट का आज दृश्य आया है आपके लोगों के जरिए। वहां लगता है कि तैर सकता है व्यक्ति। अगर ये स्मार्ट सिटी की परिभाषा है माननीय पुरी साहब की मिनिस्ट्री की, तो मैं समझता हूँ कि डिक्शनरी की शीर्षक को बदलना पड़ेगा। और दूसरा, आपने कहा कि ये नक्षत्र की, जब आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कभी आप बात करेंगे प्राचीन भारत में वायुसेना के विमान कैसे उड़ते थे, कभी आप बात करेंगे नक्षत्रों की। अब कल कोई नया कारण आएगा तो मैं तो बल्कि दाग देता हूँ उनके इमेजिनेशन की। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में फेब्राइल एंड फर्टाइल इमेजिनेशन, एंड आई एम रियली कमेंडिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग द फेब्राइल एंड फर्टाइल इमेजिनेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड ए वेरी बिग लीडर ऑफ द बीजेपी। बट गॉड सेव द जनता जनार्दन ऑफ बिहार इफ दे आर टू मैनेज विद दीज जस्टिफिकेशन। आप हो गया, वेल आई डोंट वॉन्ट टू रिप्लाई टू एवरीथिंग। आई इफ समबडी हैज इल्यूशंस ऑफ ग्रैंडियर, वी कॉल इट दैट आर एस एस इज इंडिया एंड इंडिया इज आर एस एस, देन आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। यू हैव टू आस्क हिम। आई थिंक ही माइट बी इन अ माइनॉरिटी ऑफ वन इन दिस कंट्री ऑफ 1.25 बिलियन हु थिंक दैट आर एस एस इज इंडिया और इंडिया इज आर एस एस, एंड आई डोंट सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। Well, we are talking of a issue, not of generalities. All generalizations are untrue, including mine. So by using another jumla called Sushasan Babu, if he can cure the sewage system in Patna, then I wish him best of luck with this magic wand. Sushasan Babu's wand is not a magic wand which will either convert Patna into a smart city or prevent these floods. दोस्तों, आखिर में सिर्फ याद दिलाना चाहता था, 4 बजे हमारी ब्रीफिंग है, आजाद साहब होंगे कश्मीर के ऊपर आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो।